नमस्कार दोस्तों, आज आरटेट 2011 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और उस प्रश्न में किस टॉपिक से प्रश्न ज्यादा लिए गए, किस टॉपिक से प्रश्न कम लिए गए और आगामी जो रेट आयोजित होगी उससे हमें कौन कौन से प्रश्न पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो ये क्रमबद्ध एक श्रृंखला है। लेवल फर्स्ट के बारे में मैंने बताया हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा। आज लेवल सेकंड के बारे में बात है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। जब बताया था तब मैंने एक बात जरूर कही थी, वृद्धि और विकास संबंधित टॉपिक है, इसके प्रश्न आपको अधिकतम तैयार करने होंगे। ये प्रश्न समझ आधारित है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी ज्यादा जाते हैं। चलिए बात करते हैं, एक एक शुरुआत करते हैं। पहला, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ऐसा प्रश्न तो हर बार पूछा जाएगा। विकास क्या है, वृद्धि क्या है, इससे संबंधित क्या सत्य है, क्या असत्य है, इन दोनों में क्या समानता है, ये दूसरे के पूरक है, ये दूसरे के पर्यायवाची है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और खास करके विकास क्या है, विकास अंतःक्रिया का फल है, यानी कि विकास अंतःक्रिया मानसिक शारीरिक सामाजिक संवेगात्मक नैतिक ये सभी की अंतःक्रिया है। फिर विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला है, विकास की दिशा निश्चित होती है, विकास का क्रम भी निश्चित है लेकिन वृद्धि का नहीं है। फिर विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ध्यान समझना, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, विकास विशेष से सामान्य की ओर होता है। तो यहाँ विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, बिल्कुल सही, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, ध्यान रखना है सभी का विकास एक साथ नहीं, विकास इंडिविजुअल। और फिर बात आती विकास विशेष से सामान्य की ओर, ये तो आप याद कर लीजिए, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशेष से सामान्य की ओर नहीं होता है। तो यहाँ इसका सही उत्तर ये होगा, विकास विशेष से सामान्य की ओर होता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती अवस्था, ये प्रश्न किससे संबंधित पूछा जा रहा है? संज्ञानात्मक विकास संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, जीन प्याजे की अवस्थाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। जीन प्याजे की अवस्था में एक अवस्था थी मूर्त अवस्था, उस अवस्था का समय था 7 से 11 वर्ष, इस ऑप्शन के अनुसार 7 से 12 वर्ष है, यह सही है, 7 से 12 वर्ष है, यह सही है, 7 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक प्राक संक्रिया है, 0 जन्म से 2 वर्ष तक की बात आती है, इंद्रिय गामक या संवेदी पेशी अवस्था है, 12 वर्ष से अधिक की बात करें तो ये अमूर्त है या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इसका उत्तर 1 नंबर होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, यह हर बार पूछा जाता है, इसको तो आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अभिभावक एवं अध्यापक, मानव विकास, अभिभावक अध्यापक, सामाजिक सांस्कृतिक वंशानुक्रम में वातावरण, ध्यान में से कोई नहीं, बताओ कौन सा होगा? सही बता रहे हो, साथ साथ में आप उत्तर देते रहिए, हो सकता है कि ये पेपर आपके पहले पढ़े हुए हो लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग साथ साथ उत्तर दोगे तो डिस्कस भी अच्छा सा होता रहेगा। वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज, ये दोनों हमेशा साथ चलेंगे, केवल वंशानुक्रम नहीं कह सकते और केवल वातावरण भी नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट, निम्न से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व में सामाजिक सांस्कृतिक योगदान को बिल्कुल नहीं माना। उन्होंने कहा यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है, सामान्यतः प्रक्रिया है जो आयु अनुसार स्वतः बदलती रहती, इसमें समाज और संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है, समाज और संस्कृति की इसके अंदर कोई भूमिका नहीं है, उन्होंने नकारा था, अनुभव पर उन्होंने बल दिया था। जीन प्याजे ने बिल्कुल अंतःक्रियावादी, मैंने जीन प्याजे के सिद्धांत को पढ़ाया था उस समय मैंने कहा था जीन प्याजे के सिद्धांत को अंतःक्रियावादी सिद्धांत कहते हैं। इसे अंतःक्रियावादी सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें परिपक्वता और अनुभव दोनों की अंतःक्रिया को शामिल किया गया है, दोनों की अंतःक्रिया को शामिल किया गया है। संतुलनीकरण, बिल्कुल संतुलनीकरण, साम्य धारण कह सकते हैं, संतुलन साम्य धारण कह सकते हैं, ये इसके अंदर है। सामाजिक संचरण नहीं, सामाजिक संचरण नहीं है, जीन प्याजे के सिद्धांत में सामाजिक और सांस्कृतिक जो तत्व है उस पर बल नहीं दिया गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न,
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाए तो उनके लिए क्या ठीक रहेगा? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन देना, सहकारी अधिकतम तथा पीयर ट्यूरिंग यानी सह पाठ्य द्वारा अनुशिक्षण या अध्यापन के लिए योग्यता आधारित सामूहिकरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सहकारी अधिगम होना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और सहकारी अधिगम, सहकारिता किसे कहते हैं? एक सबके लिए और सब एक के लिए, यहाँ मिलजुल कर उनको पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? सहकारी अधिगम या सहपाठ्य द्वारा अनुशिक्षण करना, सभी मिलकर कार्य करना। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी ऐसा ना लगे कि हमारे को अलग से या अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? समावेशी शिक्षा कह सकते हैं। याद रखना, समावेशी शिक्षा संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जाता है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों, व्यक्तियों के प्रति सजगता, ये विशेषता किसकी है? प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की। देखो कैसा प्रश्न, समस्या के अर्थ के जानने की योग्यता, वातावरण के दोष, कमियों, व्यक्तियों के प्रति सजगता, ये किसमें होता है ज्यादातर? ये उसी के अंदर होता है जिसकी जिसके अंदर जो चिंतन होता है, वो चिंतन कैसा हो? उसका जो चिंतन मौलिक चिंतन हो, उसका चिंतन कैसा होना चाहिए? मौलिक होना चाहिए। और ये मौलिक चिंतन किस बालक में होता है? प्रतिभाशाली बालक में होगा या सामान्य बालक या सृजनशील बालक? ये सबसे ज्यादा सृजनशील बालक के अंदर होगा, इसलिए इसका उत्तर यहाँ इन दोनों में ज्यादातर कंफ्यूजन था। देखिए 30 प्रश्न आएंगे, 30 में से 10 प्रश्न ऐसे आएंगे जो कंफ्यूजन आधारित होंगे, उसमें से आपको तय करना होगा कि अब इन दोनों कंफ्यूजन में से मेरा बड़े अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है, और इस कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका मतलब उत्तर ये ही होना चाहिए, वहां ये तय होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर अदर जोन में उत्तर दिए जाएंगे। नेक्स्ट, एक ओले जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल दी। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। अब लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये उदाहरण किसका? श्रृंखलागत अधिगम का है, उद्दीपन अनुक्रिया का अधिगम का है, प्रत्यय अधिगम का है, इनमें से कोई नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये उदाहरण किसका है? इस उदाहरण को समझा जाए तो अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना नहीं। प्रत्यय अधिगम का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट लर्निंग से इससे क्या लेना देना है? यहाँ बात आती है श्रृंखलागत अधिगम। बिल्कुल, श्रृंखलागत अधिगम का मतलब पहले जूते उतारना, फिर उसके बाद बैग रखना, फिर कपड़े सही तरह से रखना, फिर और कोई वस्तु सही तरह से रखना, उसके बाद हाथ धोना, ये एक श्रृंखलागत अधिगम है। और ये श्रृंखलागत अधिगम टॉपिक अधिगम के 8 प्रकार है, उसमें से हम पढ़ते हैं। किसने दिए थे? मिस्टर गैने ने दिए थे। उस 8 प्रकार में से एक आता है, श्रृंखला अधिगम आता है, उसको भी डिटेल से अधिगम के टॉपिक में पढ़िएगा। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा, दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान, इनमें से। देखिए बाह्य अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक और एक दूसरी होती है बाह्य। आंतरिक सकारात्मक है, बाह्य कैसी है? नकारात्मक है। एक अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, प्रशंसा और दोषारोपण, ये कोई दूसरा व्यक्ति करेगा तो कैसी हो जाएगी? बाह्य। प्रतिद्वंदिता बाह्य, प्रतिद्वंदिता आपको कॉम्पिटिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। पुरस्कार एवं दंड, पुरस्कार और दंड दोनों ही नकारात्मक है, इसलिए बाह्य। परिणाम का ज्ञान, परिणाम का ज्ञान ये भी कैसा है? परिणाम बताना उसको भी, तेरा परिणाम अच्छा है इसलिए अच्छी मेहनत कर। तो यहाँ सारी बातें किससे संबंधित आती हैं? इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। व्यक्ति स्वतः अपनी इच्छा से कार्य करता है तो वो है आंतरिक, बाह्य ज्ञान, परिणाम या प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार, दबाव, जितनी भी बातें आती है वो सभी से संबंधित होगा, तो वो क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखना, ये तो बहुत सरल प्रश्न पूछा गया। दूसरे के व्यवहार का अनुकरण करके सीखना, दूसरे के व्यवहार को देख करके सीखना,
दूसरे के व्यवहार का अनुकरण करना, और दूसरे के व्यवहार का अनुकरण करना मतलब नकल करना, और नकल करना किससे संबंधित है, सामाजिक अधिगम से संबंधित है। सामाजिक अधिगम इसी तरह से होता है, या सामाजिकता जो सीखी जाती है उसमें बड़ों का विशेष रूप से अनुकरण किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अधिगम निर्योग्यता कठिन है। देखिए ध्यान रखना, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ये डिसग्राफिया डिसकैल्कुलिया इस तरह से जो पूछे जाते हैं ना, ये सारे अधिगम निर्योग्यता, अधिगम निर्योग्यता भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान विद्वंस होना, अवधान संबंधित बाधा या विकार। बिल्कुल, अधिगम निर्योग्यता मतलब एक तरह की कोई न कोई बाधा है या कोई न कोई विकार है, डिसकैल्कुलिया है या गणना संबंधित उसके अंदर विकार है, उसके अंदर क्या विकार है। अब पठन संबंधित विकार है तो उसे क्या कहेंगे बताओ, उसमें पठन संबंधी विकार है, बुलिमिया है उसके अंदर है, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, संचार के साधन, समवयस्क समूह। देखो कैसा कारक पूछा जा रहा है, यहां बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, प्रश्न की जो भाषा है वो क्या कह रही है। व्यक्तिगत कारक है, संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक या परिपक्वता एवं आयु। यहाँ व्यक्तिगत कारक का मतलब व्यक्तिगत कारक, इंडिविजुअल फैक्टर, परिपक्वता और आयु है। ये अध्यापक कहो या इनके साथी को या दूसरे कोई साधन बताइए नहीं बताए गए, ये व्यक्तिगत कारक नहीं है, ये व्यक्तिगत कारक नहीं। तो व्यक्तिगत कारक कौन सा हो जाएगा, परिपक्वता एवं आयु व्यक्तिगत कारक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसकी बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। साइकिल चलाने वाला स्कूटर आसानी से चला लेता है तो साइकिल चलाने वाला स्कूटर आसानी से चला लेता है तो अधिगम प्रभावित हुआ ना, आगे अधिगम प्रभावित हुआ। लेकिन इस तरह से कौशल, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंदबाजी कौशल को तो विकसित कर सकता है लेकिन उसका बल्लेबाजी कौशल उसमें विकसित नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो शून्य, नहीं हो रहा है तो क्या है, सहायक या बाधक। सहायक है तो सकारात्मक, बाधक है तो नकारात्मक। ये दोनों भाव नहीं हो तो आप समझ लीजिएगा, मैं आपको बताऊं ऐसे उदाहरण आप किसी पुस्तक में रट नहीं सकते, इसीलिए मैं दो एक अच्छा फॉर्मूला आपको बता देता हूं। अगर आप पढ़ रहे हो और उसके अंदर ऑप्शन में भाव सहायक का आ गया तो सहायक का भाव है तो समझ लीजिए सकारात्मक है, और भाव उसके अंदर बाधक का है तो समझ लीजिए नकारात्मक है। सहायक और बाधक और बिल्कुल कोई भाव नहीं है उसके अंदर, ना सहायक है ना बाधक है, तो स्थानांतरण कैसा है, शून्य। नेक्स्ट अगला, निम्न से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है किसी व्यक्ति का, समायोजित है, संवेग उसके स्तर है, मानसिक रूप से ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या विशेषता हो सकती है, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षेप योग निर्देशन, मानसिक विकारों का ना होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, इनमें से सभी। ध्यान से समझ लीजिए कि इसका उत्तर क्या दिया गया था, पूर्ण अभिव्यक्ति है उसकी, संगतिकरण है और सामान्य लक्षेप योग निर्देशन है, मानसिक विकारों का ना होना, मानसिक रूप से उसमें कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति है या इनमें से सभी है। तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा, इनमें से सभी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई उसके अंदर स्वास्थ्य उत्तम रूप से प्रदर्शित कर रहा है, ये सारी बातें मानसिक विकार नहीं है, व्यक्तित्व के विकार से मुक्ति है, पूर्ण अभिव्यक्ति और संगतिकरण है। नेक्स्ट, फ्रायड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने, अब पियाजे की बात आती है तो संज्ञानात्मक विकास आएगा, संज्ञानात्मक विकास संबंधित आप देख लीजिए पियाजे क्या कह रहे हैं, पियाजे कह रहे हैं कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा गया, संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा गया। तो यहाँ पियाजे शब्द आ गया, पियाजे आते सीधी सी बात है, पियाजे संज्ञानात्मक विकास, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, तो यहाँ सीधी सी बात है, पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट अगला, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया। यहाँ अभिसारी
चिंतन सृजनात्मकता नहीं है, लेकिन गिलफोर्ड से संबंधित कुछ धारा है। तो गिलफोर्ड ने अभी सारे चिंतन पद का प्रयोग किसके समानार्थ में किया है? सृजनात्मकता के संबंध में किया है। सृजनात्मकता वापस बता देता हूं, अपसारी चिंतन है। सृजनात्मकता क्या है? अपसारी चिंतन है, लेकिन गिलफोर्ड के अनुसार अभिसारी। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? निम्न से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि के बारे में सत्य नहीं, रुचियां जन्मजात अर्जित दोनों होती है, रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है, रुचि परिवर्तित होती है, रुचियां योग्यता और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। हाँ, ये बात ध्यान रखना, योग्यता और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं। रुचियां व्यवहार में आकर्षण विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब है। रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण पैदा करती हैं। यहां ध्यान रखें, रुचियां योग्यता और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती। व्यक्ति के अंदर जो भी योग्यता होती है, योग्यता के आधार पर वो कार्य कर सकता है, उसमें चाहे रुचि हो या चाहे उसमें रुचि ना हो, फिर भी कर सकता है। मनोविज्ञान में रुचि ना होने के बावजूद भी पढ़नी पड़ रही है, तो रुचि के अनुसार हर कार्य रुचि के अनुसार हो, ये कोई संभव नहीं है। लेकिन रुचियां व्यवहार में आकर्षण विकर्षण का प्रतिबिंब है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? नहीं है, ध्यान रहे। अच्छे प्रश्न है, इसके लेवल 2 में अच्छे प्रश्न पूछे गए। नेक्स्ट, अगला अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति लेवल 1 में पूछा गया, अभिवृत्ति लेवल 2 में पूछा जाता है। अभिवृत्ति मनोवृत्ति, और बार बार मैं बता रहा हूं, और ये आगे आप समझ लो, आपके भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। अभिवृत्ति संबंधित है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी और नापसंदगी रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त करती। बिल्कुल सही है। अभिवृत्ति सकारात्मक है, इसका मतलब पसंद है। अभिवृत्ति नकारात्मक है, इसका मतलब नापसंद है। अभिवृत्ति का मतलब एक दृष्टिकोण समझ लो, दृष्टिकोण व्यक्ति का सकारात्मक है या दृष्टिकोण व्यक्ति का कैसा है? नकारात्मक है। इसके आधार पर भी अच्छी तरह से समझा जा सकता है। व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका, ध्यान सुनना, व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की कितनी भूमिका है? जीन प्याजे ने क्या कहा था? जीन प्याजे ने बिल्कुल नकार दिया था इसको, बिल्कुल नकार दिया था। तो भूमिका कैसी है? नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है। देखिए कितना समझ आधारित प्रश्न पूछा जा रहा है, और ये भी 2011 की बात चल रही है। आगे इसके जितने भी प्रश्न पत्र आएंगे उससे संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे गए, सब आप टॉपिक अच्छे तरह से देख लीजिएगा। मैं आपको एक चीज आपको कहना चाहता हूं, आप जो ये पेपर सॉल्व करवा रहा हूं ये अच्छे तरीके से आप समझिएगा। पेपर सॉल्व करवाने के बाद में टॉपिक करवाने में भी बहुत आनंद आएगा, तो इसलिए मुझे लगा एक बार पेपर सॉल्व करवा दो सारे, जिससे अब आगे जब भी टॉपिक करवाऊंगा तो ये बात दिमाग में रहेगी ये कब कब पूछा गया, और मैं इसका एक विश्लेषण भी कर रहा हूं कि कब कौन सा प्रश्न पूछा गया। नाम मात्र की भूमिका होती है, कौन सी होती है? नाम मात्र की भूमिका होती है। नेक्स्ट, अगला जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार करने में से कौन सा है? बिल्कुल अतृप्त इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं जो कभी तृप्त नहीं हो सकती, जिनकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती, और अतृप्त इच्छाएं जिनकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती वो किसमें होती है? वो इड में होती है। इड का मतलब है इदम, इड का मतलब इदम। तो इसका सही उत्तर एक होगा। बहुत सरल प्रश्न था, कोई इसके अंदर घुमाया हुआ प्रश्न नहीं पूछा गया था। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, बिल्कुल आसान प्रश्न पूछा गया, आसानी से उत्तर दिया जा सकता है। हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने के अंदर, दबाव से निपटने के अंदर, दमन शमन प्रतिगमन विस्थापन, लेवल 1 में पूछा गया था। विस्थापन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि ये बच्चा विस्थापन करता है, उसको गुस्सा आने पर वो खेलने चला जा रहा है, गुस्सा आया थोड़ा बहुत दबाव में था लेकिन चला गया खेलने के लिए चला गया, तो ऐसा भी कर सकता है और वो दबाव से निपटने के लिए ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट, अगला शारीरिक निर्योग्यता, शारीरिक निर्योग्यता मतलब दुर्बलता, दुर्बलता विकार वाले व्यक्तियों के में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होती है? दुर्बलता होती है। व्यक्ति निर्योग्यता है, विकलांग बालक है, उसके लिए क्या होगी? तादात्म्यकरण करना, नकल करना, या विवेकीकरण या अतिकल्पना। यहाँ ध्यान रखना, शारीरिक निर्योग्यता जो बालक है उनके लिए संभव नहीं होता, कई ऐसी चीजें होती है कार्य करना संभव नहीं होता। एक बालक साइकिल नहीं चला सकता लेकिन वो अतिकल्पना ये चीजें हो सकती है उसके अंदर, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? अतिकल्पना।
बाल प्रश्न बोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के लियोपोल बेलक का परीक्षण पूछा जा रहा है, सीएटी टीएटी या हरमन रोशा परीक्षण, ये सब आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, सब अच्छी तरह से। कल एक दो कमेंट भी आए थे, सर अधिगम वाला टॉपिक आप हमारे को अच्छे से करवाओ। बिल्कुल मैं शुरू करवा देता हूँ, लेकिन एक बार पेपर सॉल्व करवा दूं, और आपके लिए फायदा होगा पेपर सॉल्व, इसलिए लेके आ रहा हूँ, ये बहुत फायदा है। मैं आपको बताऊं, कईयों को मालूम नहीं है कि अभी तक प्रश्न कौन से पूछे जा चुके हैं, तो आपसे मैं प्लीज निवेदन करूंगा, आप लोग ये पेपर सॉल्व क्लास है पूरी अटेंड करो और इसको अच्छे तरीके समझने की कोशिश करो। देखिए इसमें क्या था, इसमें था लोगों के जो स्थान पर किसके, जानवरों के थे, यहाँ क्या दिया पुरुषों के स्थान पर महिलाओं के, वैश्य के स्थान पर बालिकाओं, नहीं ये, और जानवर भी कैसे थे, विदेशी जानवर से संबंधित थे, जो कि भारतीय परिस्थितियों में ये संभव नहीं थे। सृजनशीलता के क्वेश्चन के लिए अध्यापक उनमें से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, बिल्कुल सृजनशीलता के लिए बच्चे के अंदर मानसिकता के अंदर हो, मानसिकता के अंदर उपहार लाना चाहिए, उबाल आना चाहिए, उबाल उबाल आना चाहिए, और वो उबाल कब आया जा सकता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्दोलन विधि, मस्तिष्क उद्दोलन विधि के द्वारा, व्याख्यान से नहीं, दृश्य श्रव्य से नहीं हो सकता, तो वहां नवीनता है, वहां मौलिकता है, इसलिए इसका ब्रेन स्टॉर्मिंग ये सही है। निर्णय से कौन सा कथन सही नहीं है, आवश्यकता वंचन की शारीरिक अवस्था नहीं है, अंतर्द्वंद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, बिल्कुल सही है, आवश्यकता अंतर्द्वंद समान नहीं बल्कि समानांतर जरूर है, मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है, ये सही है, मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है, आवश्यकता और अंतर्द्वंद समान नहीं बल्कि समानांतर है, अंतर्द्वंद परनोद चालक, ध्यान समझना, अंतर्नोद परनोद चालक, आवश्यकता क्या है, भोजन है, तो अंतर्नोद क्या होगा, भूख, तो ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है या नहीं, बताओ समझ में आ रहा आपको, समानांतर है। अब देखिए अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, भूख प्यास नींद ये किस, ये अंतर्नोद है तो ये किसके परिणाम है, आवश्यकता के है, बिल्कुल सही है, आवश्यकता वंचना, वंचना मतलब से नुकसान कह सकते हैं, आने कह सकते हैं, आने के शारीरिक आवश्यकता नहीं है, ये तो असंगति है, सीधा सीधा असंगत दिया गया, इसीलिए यहाँ 3 के स्पष्टीकरण बिल्कुल सत्य हो रहा। नेक्स्ट अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे जितने भी ये पेपर होंगे वो सब में ये चीजें पूछी जाएगी, तो यहाँ पर कितने किए गए, 45 घंटे, कितने 45 घंटे निर्धारित किए गए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों में से किस दायित्व को पूरा करना होगा, कौन से दायित्व को पूरा करना, विद्यालय में नियमित रूप समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, इनमें से सभी, ये सारी बातें के लिए करनी होगी उसको, समय पर हर गतिविधि को पूर्ण करना होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूप 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई, पाठ्यक्रम रूप का निर्णय से किसे सूचीबद्ध किया गया, यहाँ शांति शिक्षा के अंदर इस पर बात की गई कि महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, ऐसा ये इसके अंदर बताया गया है। तो एनसीएफ 2005 से संबंधित एक डिस्कस बहुत अच्छे तरीके से, एक घंटे भर का एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा, उसमें एक सवाल गलत नहीं होगा, मैं ये विश्वास दिलाता हूं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई किसके संबंधित, ज्ञान स्थाई है वो दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है, बिल्कुल ऐसे ज्ञान स्थाई है और उसको दिया जाता है, ये बात उसके अंदर अच्छे तरीके से लिखी हुई, ज्ञान स्थाई है और वो दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना दी जाती है। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, देखिए एक प्रश्न क्रियात्मक 2009 के राष्ट्रीय एनसीएफ, इसमें मूल्यांकन के प्रश्न नहीं, नवीन ज्ञान की खोज बिल्कुल नहीं है, नवीन ज्ञान की खोज नहीं, क्रियात्मक अनुसंधान सुधार है, ये मौलिक नहीं है, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास नहीं, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, बिल्कुल सही, विद्यालय की शिक्षकों द्वारा मिलकर के कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ये क्रियात्मक अनुसंधान है, क्रियात्मक अनुसंधान है। और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है पूछा गया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, 3 प्रश्न आ रहे एनसीएफ के, 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधार में से किस सुधार को समझाया गया, खुली पुस्तक परीक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल
पुस्तक दे दो बेटा, ये पुस्तक ले और ये प्रश्न है, इस पुस्तक में से देख करके उत्तर ले। दूसरा सीसीई, बिल्कुल सतत सामूहिक कार्य मूल्यांकन सब मिलकर के करो और इनमें से सभी। तो मेरे हिसाब से लेवल टू में कुछ घुमाए हुए प्रश्न भी पूछे गए थे और लास्ट में जब एनसीए वगैरह आए तो यहाँ सरल प्रश्न भी हमें देखने को मिले। तो ऐसा होता रहेगा, किसी में सरल प्रश्न, किसी में कठिन प्रश्न, दोनों में मिक्स तरह के प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। तो यहाँ ये आपको बात समझ में आ गई होगी। और भी क्लासेस चल रही है लेवल फर्स्ट के लिए, मैथ्स की क्लास चल रही है, बाकी क्लासेस भी आप लोग देखा करो। चलो ठीक है।